सीखो फिर से कलंडा लेके आ चुका है GTA 5। तो यार अगर आपने हमारा लास्ट का एपिसोड देखा है तो यार आपको पता ही होगा कि यार हम सब ने मिलके यार एक माफिया के यहाँ से गाड़ियां चुराई थी। हाँ यार आप लोग ने सही सुना, गाड़ियां चुराई थी। और भाई आराम से लगी तो नहीं, कोई नहीं चीटी काटी मैडम, चीटी काटी। ठीक है तो भाई साहब चीटी तो कुछ ज्यादा काट गई आगे से हमारे ट्रक की। तो भैया ऐसा नहीं कि यार अभी हमने यार गाड़ियां चुराई, और यार अब तुम्हें भी पता ही होगा अगर आप लोग मेरे एपिसोड देख रहे हो। वैसे तो तुम लोग देखते नहीं हो बट बोलना पड़ता है, क्या कर, हर कोई यूट्यूबर का यही मानना है कि देखते होंगे लोग बट वीडियो नहीं देख रहे हो तुम लोग। देखा करो भैया कुछ चला तो ही ना जाएगा, 24 घंटे में से 10 मिनट की निकाल के वीडियो देख लिया करो हमारे को है। हमारे भी व्यूज बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तुमको मानना ही नहीं है। चलो हटाओ इस बात को। तो यार अभी ऐसे नहीं कि अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी है लास्ट की, तो यार आपको पता ही होगा कि यार आपने टोटल 4 गाड़ियां चुराई थी, और यार जिसमें से यार 3 गाड़ियां मैं बेचने ले जा रहा हूँ। हाँ यार मैं बेचने ले जा रहा हूँ क्योंकि यार माइकल लाना ने हमें 3 कार बेचने को बोली है। और यार मैं एक बंदे को जानता हूँ जो यार इन कारों की कीमत अच्छी खासी दे रहा है। हाँ यार इन तीनों कारों की कीमत मिला के वो मुझे 20 मिलियन देने वाला है। एक यार 10 मिलियन की कार तो ये काली वाली हो गई, और बाकी यार 5-5 मिलियन की कार है। यार ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑफर अच्छा है ना, तो ऑफर इससे पहले खत्म हुआ यार हम गाड़ियां ये बेच डालते हैं। अब यार एक कार जो थी तो वो तो यार माइकल भैया ले गए क्योंकि यार वो किसी ने दोस्त वगैरह की थी तो वो यार उसको दे दिए। पर यार मैं घूम फिर के अपने माइकल दादा के घर का आ गया। मैं तो अभी माइकल दादा के यहाँ से निकला ना। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरी याद तक ना भाई बात करते करते, इसलिए कहता है बात करते करते कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अभी यही होता है। जाना कहाँ था जा कह रहा हूँ मैं है? और बेटा आराम से गाड़ी टूटी ना, माइकल दादा हमको तोड़ देंगे, सही बता रहे हैं। तो अभी ऐसे नहीं कि यार हमें हर चीज लौंडे से बात हुई है यार, उस लौंडे ने कहा है हमको मिलने के लिए बुलाया, वो कहा है कि वो फिर हमें ले जाएगा किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ जो यार ये कार खरीद लेगा। तो यार ये भी बात ठीक है, वो भाई पुलिस आ गई। अच्छा अच्छा हमें लगाया पुलिस हमारे लिए आते थे। यार अभी ऐसा नहीं कि जो यार वो बंदा है यार, उस बंदे ने हमको बुलाया है एयरपोर्ट में मिलने के लिए। हाँ यार क्योंकि यार उसने कहा है कि वो पहले हम उससे एयरपोर्ट में की एंट्रेंस में मिले, फिर यार वो हमें उस बंदे तक ले जाएगा जिसको यार वो कार खरीदनी है ना, मतलब ये तीनों कारें खरीदनी है। तो यार ठीक है हमारे खुद से क्या, हमें कार बेचने से मतलब और हमें पैसे से मतलब है ना। तो यार अभी पता ऐसे करते हैं कि यार एयरपोर्ट चलते हैं और यार लौंडे से मिलते हैं और यार उसको कार बार बेच कर खत्म करते हैं मामला पानी, है ना। तो यार अभी ऐसे नहीं कि यार अब हमारे पास होने वाला है पैसा ही पैसा, पानी पानी कह रहे थे पैसा ही पैसा। तुम्हारा यार लौंडा जो है ना यार वो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और यार बच्चा आराम से सामने जा रही है ट्रक भिड़ी ना, और गलती से एक कार भी टूटी ना, सामने वाला डीलर 1 रुपया नहीं लेगा, मेरे को सही बता रही हूँ। तो यार अभी ऐसा ना कि यार पटाख से पहुंच लेते पहले एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे, उसके बाद यार फिर आगे की जो भविष्यवाणी है हमारी, आगे की वाणी जो है वो हम बाँचेंगे, है ना। तो तब तक यार अभी हम पहुंचते हैं पटाख से एंट्रेंस में एयरपोर्ट के, और भाई साहब हमें बात आपकी अच्छी लगी इसलिए हमने आपको उड़ा दिया। अबे साले तो यार अभी हमने GPS में लोकेशन तो लगा लिया एयरपोर्ट की, और भाई साहब अरे कहाँ जाना चाह रहे हो चाचा, कहाँ जाना चाह रहे हो? यहाँ यार GTA 5 की नीली बस और यार हमारे यहाँ की लाल बस एक ही जैसी, समझ में नहीं आता कहाँ चलती है। इंडिकेटर दे दी गई और की मूर्ति गई और की यहाँ क्या आई बोले जिंदगी खराब करके रखी है। और भाई साहब तुम वैसे ही देख रहे हो ट्रक की ना चिथड़ा उड़े पड़ा है, गाड़ियों के चिथड़ा उड़ा है ना, तो माइकल दादा हमारे पिछवाड़े के चिथड़ा उड़वा देंगे बता रहे थे। यार ऐसा करते हैं यार फटाफट, देखो यार सिंपल सी बात है यार, माइकल दादा का यार हम साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यार वो हमारे पिताजी समान है ना, मतलब हाँ पिताजी समान मान लो यार, दोस्त भी कह सकते हैं पिताजी समान भी कह सकते हैं क्योंकि यार हमने बचपन तो देखा नहीं। बाकी यार भैया अरे भैया आराम से चाचा जगह दो यार थोड़ी, नहीं पहले हम निकलेंगे, पहले हम हैं चाचा हमारे विधायक है, पहले हम निकलेंगे। धन्यवाद यार अभी ऐसा नहीं कि यार अभी हम बस पहुँचने वाले हैं, मतलब अभी भी पहुँचने वाले हैं तो बहुत समय लगने वाला पहुँचने क्योंकि यार हमें ये धन्नो ले जानी है साथ में, और अगर गलती से धन्नो की इज्जत को थोड़ा सा भी रिग्रेट लगा ना तो भैया हम बहुत पिटेंगे, हमारी इज्जत को खतरा हो जाएगा यार। तो यार अभी ऐसा यार फटाक से अभी हम अपने घर से होते हुए यार एयरपोर्ट जा रहे हैं। अभी यार सिंपल सी बात है, देखो याद तो हमें अपनी जो हमारी वो मौसी थी जिनके साथ पहले हम रहते थे याद तो हमें उनकी आती है, बट यार भाई साहब क्या बताएं वो मौसी हमारी इतनी महान थी ना कि क्या बोले यार, वो पठान कुछ भी बोलती रहती थी, इसलिए यार हमने उसका घर छोड़ दिया और यार हम अपने खुद के घर में रहने लगे। मतलब खुद का घर तो नहीं है, ओहो भाई साहब देखा तुमने नहीं देखा होगा, कहाँ से देखोगे, देखते ही नहीं तुम लोग मेरी वीडियो तो देखोगे कहाँ से, जो देखते हैं वो देख रहे होंगे कि भाई साहब क्या कट मारा है भाई, ट्रेलर लेके ऐसी गाड़ी चलाना ना सबकी बस की बात नहीं है, समझ रहे हो, सबकी बस की बात नहीं सिर्फ मेरी बस की बात है, इसलिए मैं ट्रक चला रहा हूँ क्योंकि मेरी बस मेरा ट्रक, जो समझ में आया नहीं आया ना तब भी हंस रहे हंस हंस चुप।
किसी ने बताया कहा नहीं हमको ये ट्रक यहाँ नहीं आ पाएगा। और नहीं और नहीं नहीं भाई और नहीं, आराम से आराम से आराम से, होले 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 से हवा लगती है, होले होले से अंदर चलता है भाई साहब। किसी ने बताया कहा नहीं कि ये ट्रक का टकरा जाएगा भे। अरे रे रे भैया टूटना फूटना नहीं यार, भैया वो भैया टेढ़ा खड़ा हो गया यार, हमको लग रहा थोड़ा मामला पानी लग रहा है हमको यार शायद। हाँ यार देखो यहाँ से टेढ़ा हो गया थोड़ा टक तेरा भाई ऐसा करता फटा सा एंट्रेंस पे चलता है और उसको खोल टूट आते हैं भैया पहुँच चुके हैं और हम यार ट्रक भी तुम्हारा ले आ चुके हैं गाड़ी के साथ, निकल जाएगा भैया भैया निकल जाएगा। अरे भैया तो नहीं निकलेंगे यार, भैया तो जाम हो गए, निकल जाए यार निकल जा निकल जा निकल जा। अरे बहुत सही निकल गया। अरे मेरे मुन्ना क्या बात है भैया ट्रक रोक थोड़ा टेढ़ा हो गया वो कातल है, चाचे दरवाजे खोलेंगे। माता खोलिया हाथ जोड़ के खड़े रह जा फटिए यहाँ से। हाँ नहीं तो हाथ जोड़ के खड़ा यार, अभी बोला तो था इसने कि वो यहीं मिलेगा, तो यार अभी ऐसा करते हैं कि ट्रक को यहीं जरा खड़ा करते हैं और यार जरा उस बंदे को कॉल लगा लेता हूँ मैं जिसने यार मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, और यार फिर उससे मिलते हैं। तो यार अभी हमारी उससे बात हो चुकी है और यार उसने कहा कि सीधा एंट्रेंस पे घुसते ही साथ हम राइट ले लें जिससे हम धोते हैं, नहीं सॉरी मतलब धोते किससे, हाँ मतलब राइट लेने को उसने बोला है जिससे यार हम पानी भरते हैं। तो यार अभी फटाक से हम राइट लेते हैं और यार उसने बोला है कि राइट ले लो भाई साहब। अभी अभी कितना बड़ा प्लेन उतर रहा भाई साहब, क्या प्लेन है यार बहुत बड़ा प्लेन भाई। और ये खड़ा अपना नमूना दो टाइम टकलू, तो यार हाँ यार हमारे पास टकलुओं की भरमा रहे थे। और अभी ऐसे करते हैं कि फटाक से इसको हॉर्न बजाते हैं और यार इसको बिठा के ले चलते हैं जहाँ पे भी इसका वो मालिक खड़ा जो कार हमसे खरीदेगा और हमसे पैसा देगा। तो चाचा अंदर आके बैठेंगे तो आप फूकते ही रहेंगे सिगरेट, अरे वैसे नहीं सिगरेट फूक फूक के शरीर फूक गया आपका। यार अभी चाचा आ चुके हैं हमारे साथ बैठने के लिए, तो यार अभी बैठते हैं और यार इनसे जरा मार तलाब करेंगे, भैया कहाँ खड़ा है तुम्हारे चाचा, मतलब यार ये कमीशन वमीशन तो हमसे लेने का सोचा ना नहीं, वरना इसी ट्रक के नीचे ला देंगे तुमको बता रहे हैं। यार अभी फिलहाल यार इससे बात हो रही है हमारी और यार ये कह रहा है कि आगे चल के वेयर हाउस है वहाँ पे हमें चलना है, डेनियल सैनियल पता नहीं कैसा नाम वेयर हाउस को बताया वहाँ पर है उसने बताया है। तो भाई साहब कहाँ पर है चाचा बताओ भी तो, डेनियल डेनियल तुमने बता तो दिया कि डेनियल करके कुछ है। तो यार अभी ऐसा है कि हमको तो अभी वेयर हाउस यहाँ नहीं है, जितने भी वेयर हाउस है ना वो सारे पीछे हैं। तो यार अभी ऐसा करते हैं कि वो पीछे वाले वेयर हाउस में चलते हैं, वो भैया डिटेच ही होगा हम क्या करें, एक ऐसा ड्राइवर है यार घड़िया टाइप के यार। देखो यार हंस रहा नहीं कोई, नहीं यहाँ की हमको ट्रक व्रक चलाना भैया, हम कार एक्सपर्ट आदमी है। चलो फिर से मैंने अटैच कर लिया। तो यार अभी ऐसा फटाक से पहुँचते हैं वो डेलियन फेलियन जिसका जिसका भी वो गैराज है, गैराज कह रहा हूँ वेयर हाउस है, वहाँ पहुँचते हैं और यार उसको ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ देते हैं और यार उससे पैसा लेते हैं। क्योंकि यार पैसा ना भाई ना सिंपल सी बात है, हमें पैसे से मतलब है भैया, हमको नहीं मतलब है कौन है डेलियन कौन है फेलियन। तो यार फटाक से पहुँच रही थे और आराम से आराम से यार फटाक से पहुँचते हैं, कारोबार देते हैं और यार निकलते हैं कंटी मार के। A few moments later. यार अभी आधा घंटा हो चुका है और यार अभी आधे घंटे से एक घंटा रेंट पे हाउस मिला और यार अभी जाके ये बता दिया कि भाई साहब वो तुम्हें सामने ही दिख रहा है डेविन मिस्टर करके। और भाई साहब मतलब सही बता रही हूँ, इतना मारू मैंने पकड़ के, इतना मारू मैंने पकड़ के साले। और भाई साहब एक मिनट एक सेकेंड भाई साहब वहाँ पे यार दुनिया भर की कारें खड़ी हैं और एक यार प्लेन खड़ा है और यार कोई बड़ी मालदार पार्टी लगती है यार इन लोगों में। सही बता रही हूँ बहुत मालदार पार्टी है तो, बट यार सिंपल सी बात है यार मालदार पार्टी है तभी तो यार हमें 20 मिलियन कैश दे रही है भाई, ऐसा वैसा नहीं भाई कैश दे रही है, तुम समझ रहे हो। बाप रे बाप, ये भैया कितनी सिक्योरिटी है वैसे यहाँ तो भैया साहब, और बाप रे बाप सबके सब घर वाले खड़े रे, वो भाई साहब खतरनाक सिक्योरिटी यार इसके अंदर। चाचा निकली यार बाहर आई जाओ, वरना यहाँ से ना भाई एक मिनट पहले गोली अंदर रख ली, वरना गलती से ना इन लोगों ने गोली देख ली ना मेरे हाथ में भाई साहब, घुन मेरे मतलब देख रहा हूँ वो सब मेरे ऊपर ही शोर करके रखे। बाप रे बाप भाई भाई मैं कार बेचने आया हूँ युद्ध करने नहीं आया, तुमने इतनी सिक्योरिटी लेके आए हो अपने साथ और सबके सब गंजे हैं भाई, सब ने बाहुबली को मारा सबके सब का टप्पा उछाल लिया भाई साहब तुम सामने से ना मेरे को एक वही होशियार दिख रहा बीच का। तो भाई अगर तुम लोग मेरे को कुछ करो ना तो मैं जरा उससे आकर बात कर लूँ क्या, मेरे को लगता है आई थिंक बॉक्स वगैरह है तेरा ऐसे करते हुए जरा ना भाई भाई मारना नहीं यार मैं जरा बस ना बात कर रहा हूँ भाई। इन लोग के चेहरे तो देखो ऐसे गुस्से से देख रहे हैं जैसे एकदम छंटी में डाल के गोली मारेंगे मेरे, भैया आराम से है मैं तो बस जा रहा हूँ यार भैया, आई थिंक मेरे को लगता है ये इनका बॉस है। भाई साहब क्या यार सिक्योरिटी देखो तुम, एक तो ब्लैक एंड ब्लैक 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 भाई साहब इतना ब्लैक है कि मैं खुद अंधा हो गया, मतलब यार गजब का ब्लैक का शौक है आई थिंक मेरे को लगता है। यार भैया ऐसे करते हुए फटाक यार हम इससे बात कर लेते हैं और यार इसको गाड़ी देके ना यहाँ से पैसा लेके निकलते हैं पंटी मारते हैं, भाई थोड़ी देर में ना इन लोग मेरे को भी गंजा ना करेंगे मेरे को। भाई साहब मेरे को ओ भाई दूर 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 थोड़ा दूर
भाई साहब आप मेरा तेल गाड़ी से ले लो और यार फटाफट मेरे को पैसा दो। यार आपकी हमारी इससे बात हो चुकी है और यार ये अरे भाई यार 60,000 तक लो। और यार अभी ये इसने हमें कहा है कि हमें चल के गाड़ी दिखा दे। यार भाई साहब ये बॉस नहीं है। हाँ यार तुम लोग सही सुना, ये बॉस नहीं है एक्चुअली, ये FIP वाला है। हाँ यार तुम लोग सही सुन रहे हो, FIP वाला है भाई साहब। भाई साहब ये FIP वाले हैं और यार ये ना जो आए हैं वो इस जो बॉस है इसके कहने पे आए हैं। वाह यार मतलब यार तो फ्री टाइम पे इसकी सेक्रेटरी गिरी भी बजा रहा है। सही है यार, दो दो जगह से सैलरी ले रहा। सही है भाई सही है। तो यार यार ये मतलब हमारे साथ आया भाई साहब, इसके साथ भी ना इसके सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं। तो भाई साहब ये वो तीनों कारें हैं, तुम यार अच्छे से देख लो, निकलवा लो, जो करना करवा लो। और भैया हमें ना फटाफट जरा पैसा दो, हम यहाँ से कल्टी मारे, क्योंकि यार हमें ना मौसम भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और तुम लोगों के कुछ वो भी स्वभाव भी अच्छा नहीं लग रहा है। भैया इससे ना कि आप कार पकड़े और यार कार लेके निकलिए। तो यार अभी इसको फटाफट मैं सारी कारें दिखा देता हूँ, इसकी चाबी देने से पहले यार इसे पैसा ले लेता हूँ, क्योंकि अगर हमने पैसा नहीं लिया ना तो ये हमें बहुत कह नहीं सकते कि गाड़ी लेके हमें कहीं मार मोड़ दिए ना तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैं आया उस टकले के साथ, ये टकला भी इनका भाई लग रहा भाई मेरे को। तो देखो अभी फिलहाल उसके बॉडी गार्ड कारें देख रहे हैं। यार ऐसे नहीं कि इससे हम बात करते पैसों की और यार पैसा लेके ना यहाँ से फटाफट रफू दफा होते हैं, क्योंकि यार हम ना हम ऐसे भाप रहे हैं कि ये हमारी गुथरी जरूर चटकाएगा है ना। तो यार अभी इससे फटाफट से पैसे की बात करते हैं और यार यहाँ से 9:11 होते हैं। तो यार अभी हमारी बात हो चुकी है इस और यार इसने बोला है कि इसकी एक कार खुली है जिसमें यार पैसा है और रखा है। मैं भाई साहब आप अगर आ जाए हमारे साथ, यार अभी फिलहाल ये हमारे साथ आ रहा है। भाई साहब तू कहाँ भाई, तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मतलब देख रहे हो भाई के छोड़ देगा उसको करे कॉन्फिडेंस। तो भाई साहब इसमें यही हो रहा है कि इस ब्लैक कार में ये मरेगा, मेरे को लग रहा है मरेगा। तो यार इसने बोला है कि इस ब्लैक कार में बैग रखा है। ओके ये बैग रखा। तो यार इसने बोला कि बैग में ही रखे पैसे तुम उठाओ और यहाँ से 9:11 होता है। तो भैया होने वाला मेरे को लगता है युद्ध, क्योंकि भैया तेरे को तेरी जिंदगी प्यारी नहीं आई थी। हाँ तू बचा ले तो हम बचा ले, फिर तेरे को बचाएंगे, बचा बचा। तो यार अभी हम बैग वैग लेके यहाँ से निकल चुके हैं और यार उन्होंने हमें एक कार दे दी। अच्छी बात यार, अच्छे लोग यार, हम तो सोच रहे थे कि गंदे लोग होंगे, बट यार अच्छी बात यार ये है कि उन्होंने हमारा ट्रक रख लिया, जो कि यार मेरे को मैंने एक दोस्त से लिया था, उन्होंने यार मेरा ट्रक रख लिया और यार मेरे को एक कार पकड़ा दी। वैसे यार ये कार तो अच्छी है, एक एक्सयूवी कार है, बट यार क्या बोलेंगे जिसके यहाँ से यार हमने जिसका ट्रक लिया उसको हमें देना पड़ेगा ट्रक। यार ऐसे टकलू को था। हाँ यार ये ट्रक है टकलू का ही था, हमने इसके लिए आप लिया था, कोई बात नहीं यार इसको हम ये कार दे देंगे। फिलहाल हमारी इस बात हो गई। तो यार इसने भी कह दिया कि ठीक है ये मुझे कार दे देगा ये वाली, तो ठीक है, क्योंकि भाई यार ये कार महंगी है बहुत सारा। भाई साहब हेलो, अब मेरे को थोड़ा रास्ता बताएंगे कि बाहर करने का रास्ता। अच्छा ठीक है यहाँ से है, धन्यवाद पता नहीं। तो यार अभी अच्छा नहीं कि यार अभी हमने उसको कार दे दिया है और यार उसने हमें 20 मिलियन कैश दे दिया है। तभी यार सिंपल सी बात है यार, ये 20 मिलियन कैश यार मैं ले जाकर पहले माइकल लगा के हाथों में रखूंगा, एकदम नरम नरम हाथों में रखूंगा कि भैया ये लो पकड़ो अपना पैसा। उसके बाद यार 5 मिलियन वो मेरे को दे देंगे, 5 मिलियन बाकी जिसको होगा उनको बांटेंगे, जैसा जो भी करना होगा उनको करना होगा। मेरा यार वो मैं उनसे 5 मिलियन लेके यार कल्टी मार लूंगा। यार अभी ऐसा नहीं कि भैया बाहर जाने का तुम कौन रास्ता वास्ता बताएगा? अरे रास्ते बेटा क्या चाचा, अरे कौन बाहर जाने का रास्ता बताई थे भाई? हाँ अरे यार बाहर जाने का रास्ता ही पता नहीं हमको कहाँ है भैया, और हमारे यार घूमने क्या बात है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार अभी इनको हमारी डील तो वैसे काफी अच्छी हुई, और भाई साहब जो सामने वाली पार्टी थी ना वो मेरे को लगता बहुत तगड़ी थी। मतलब यार जहाँ पे हम चोरी करने गए थे ना, मेरे को लगता उनसे भी ज्यादा तगड़ी पार्टी थी भाई। मतलब तुम देख रहे थे कितने सारे गुंडे, अरे भैया मैं घूम फिर के नीचे पास तो जा रहा हूँ। तो यार तुम मतलब देख रहे थे ना कितने लोग थे उनके पास, भाई दुनिया भर के लोग, और यार अभी भी लोग खड़े हैं, जा नहीं रहे भाई, जाने की मतलब इच्छा नहीं हो रही क्या भाई? पता नहीं खाए का इंतजार कर रहा, हो सकता है उनकी एक तोड़ी और भाई बड़े लोग हैं और एक साथ 10-15 डील मारते हैं। हमारे जैसे नहीं जी, एक तो कार गए थे तो हो गए उसी में खुश है। भैया दरवाजा खोलेंगे, धन्यवाद, देखा इस बार बड़ा जल्दी दरवाजा खोल दिया, ये भी खोल दो, खोलेंगे। अरे कोई है अंदर? अरे कोई है नहीं, अपनी सब ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं, बस पैसा खिलाने को बोल लो बस। और भैया लो उसकी कार में डेंट मार दिया, बाहर साहब वो मारेगा मेरे को पकड़ के, पीछे ही बैठा है मेरे को ना डेंट से मारेगा पकड़ के, सही बता रही हूँ। तो यार इससे नहीं यार खटा कर हमें पहुँच लेते हैं, इसको पहले छोड़ते हैं इसकी गाड़ी भी छोड़ना ही पड़ेगा यार हमें। तो यार ऐसे करते ना कि इसको यहीं पर छोड़ ही देते हैं, और यार यहाँ से ना टैक्सी करके हम यार माइकल भैया के घर पहुँचे, क्योंकि यार ये लोग ये टैक्सी भी मिल गई और टैक्सी रुक गया यार। कह रहा कि रुक जाओ उसकी काम में जरा, हम साइड में लगा दे, पर यार उसको यहाँ से कल्टी मार के धक्का मार के निकलवाएंगे, इसको रुक जाओ धक्का मार के निकलवाएंगे भैया बोलिए जरा। तो यार आप अपनी गाड़ी पकड़िए और यहाँ से ना कल्टी मार के निकलिए बिल्कुल तेजी ना है। तो यार अभी यार ये अपनी कार लेके जा रहा हो भाई, आराम से चला ले यार गाड़ी, बड़ी तेजी ना चला ले। वहाँ से अभी फिलहाल अपने घर निकल चुका है, पर यार अभी ऐसा करते हैं कि हम यार टैक्सी बुलाएंगे और यार टैक्सी पकड़ के पहुंचते हैं, क्योंकि यार अभी हम फिलहाल किसी की गाड़ी चलाना नहीं चाह रहे,
यार गाड़ी चुरा चुरा के ना मैं खुद थक गया हूँ भाई साहब। और बिल्कुल यार माइकल ने अपने मेरे को कह के रखा है कि पुलिस की नजरों पे बिल्कुल घूम रहा है, क्योंकि अगर पुलिस की नजरों पे आए तो पुलिस वाले पिछवाड़े में डंडा डाल के पता नहीं क्या क्या निकलवा लेंगे। यार अभी फिलहाल सामने से गाड़ी तो आ गई है भाई 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 जरा रुकियो, हमको तो छोड़ दो भाई, यार लोग बैठे हैं बट चलो कोई नहीं भैया निकल सकते ना आप लोग को। देखिए आप लोग जवान आदमी है, आप लोग पैदल चलते चल सकते हैं ना, और आप हमें पहुंचाइए, हम बताते हैं आप हमें कहाँ पहुंचाइए, तो पहुंचाइए हम वेट पॉइंट बताते हैं। यार अभी इस समय की यार हमने GPS पे लगा लिया लोकेशन है यार, हमने उसको लोकेशन बता दिया, अब यार ये हमें लेके जाकर पहले थोड़ा जल्दी लेके चल ले चल ले भाई, इतना आराम से चलोगे तो वही क्या हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो यार अभी इस समय की यार रात से पहुंचते हैं, है तो बहुत दूर का रास्ता बट यार पहुंच जाएंगे आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो यार पहुंचेंगे तो यार हम उनको 20 मिलियन देंगे, 20 मिलियन से यार वो हमारे को 5 मिलियन मार देंगे, 5 मिलियन लेके वहां से कल्टी मार लेंगे। तो यार अभी हमारी जो चोरी है वो यार कह सकते हैं सक्सेसफुल हुई है। देखो यार हमारे को माइकल के साथ रहने का यही फायदा है, पहले यार छोटी छोटी कारें चुराते थे वो भी हमें पता नहीं था कि हम कारें चुराते थे, हमें लगता था कि हम इंश्योरेंस एजेंट है, बट बाद में हमें पता चला कि हमारी कारें चोरी हो रही है। बट यार चलो कोई नहीं, अभी यार हम कारें चुराते हैं तो यार अब हमें मिलता है हाथ में मोटी कड्डी, पहले के जैसे नहीं कि फटी चड्डी मिलती थी, अब यार मोटी कड्डी मिलती है। तो यार अभी ऐसे में क्या फटाक पहुंचते हैं मालिक अंदाजा के पास, और यार उनको ये मोटी मोटी कड्डी दे के अपनी मोटी मोटी चड्डी आई मीन कड्डी लेके वहां से कल्टी मारते हैं। A few moments later. यार अभी हम बिलाल आ चुके हैं माइकल दादा के यहाँ, और भाई साहब टैक्सी वाले ने इतना लेट कर दिया ना, क्या बोलूं, रात को बैठा था देर करा दिया भाई साहब। तो अभी फिलहाल अभी हम माइकल दादा के यहाँ पहुंच चुके हैं, और यार माइकल दादा का कॉल आया था, हमने यार उनको बताया कि हमने डील कर चुके यार पैसा मिल चुका है। तो अभी माइकल दादा फिलहाल कहीं बाहर गए थे, उन्होंने बोला है कि पैसा मैं अपने पास रखूँ, मेरे सबको आएंगे कि यार वो पैसा मेरे से ले लेंगे। अब देखो यार पैसा अगर मैं चाहूँ तो पूरा लेके इधर उधर हो सकता हूँ, बट यार ईमानदारी कभी कुछ ना होता, ईमानदारी ना कोई चीज होती है तो यार वो हमारे अंदर ना कूट कूट के भरी। क्या बोला तूने? हाँ हाँ मतलब रियल लाइफ में भी हमारे अंदर ईमानदारी कूट 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 के भरी है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी ये पैसा सब में पड़ेगा और फिर कद्दू पड़ेगा दबाते हो उसके बाद फिर से उसको दबा देते हो दो बार दबाया करो तीन बार दबाया करो ना। एक बार दो बार तीन बार दबाओ, दो बार मत दबाओ है ना, तीन बार दबाओगे तो मजा आएगा, तीन बार दबाया करो वो बटन को तभी तुम्हें मजा आएगा है ना। तो अभी ऐसे क्या करिए, वीडियो तुम लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने अपने लोगों को बोलना यार कि भैया शेयर वेयर करें है ना, और देखे देखे वीडियो यार सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो, 80% लोग वीडियो देख रहे हैं मगर यार सब्सक्राइब नहीं दबा रहे हैं, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो है ना। यार अभी ऐसा है कि अभी फिलहाल यार अभी हम ये जिमी भैया जो थे उनके घर में सोएंगे, तो भाई साहब सोने लायक जगह तो नहीं है यहाँ पे, तो जानवर भी ना सो, बट कोई बात नहीं, हम सामने की कैटेगरी में ही आते हैं तो यार सो लेते हैं। तो यार है ना, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा सायो नारा।